वाह दिलावेज हमें ट्रीट दे रही है, चाट खिला रही है। ठीक है, और ये ग्रीन रिबन का क्या चक्कर है? ग्रीन रिबन यही है कि बीमार हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसी तरह एक मेंटल हेल्थ भी है। और आज हूँ मैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों के सामने, बहुत एनर्जेटिक। और बस आप लोगों को ये समझो कि लाइफ में जब आपसे बुरी चीजें दूर हो जाती है ना, तो आप सुकून के अंदर आ जाते हो। और ये आज का व्लॉग तो मैं लाजमी डालूंगा, ठीक है। बाकी व्लॉग्स को मैं किसी तरह एडजस्ट करके बाकी दिनों में कर दूंगा, जो मैंने प्रीवियसली छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, मतलब कि व्लॉग क्लिप बनाने की कोशिश की है। बट यू नो कि एक लेंथ होना बहुत जरूरी है, 5-6 मिनट के तो वो ब्लॉग निकल ही आते होंगे या 3-4 मिनट के। बट यू नो लाइक ब्लॉग का मजा तब आता है जब 10-12 मिनट का हो या 12-15 मिनट का हो, ताकि पूरी स्टोरी मजेदार हो कि अच्छा यार चल क्या रहा है सलान की लाइफ में। चलो कम व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लोगों को शौक बहुत है मेरी हर चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखने की, जो मेरे आस पास की मुझसे जो प्यार नहीं करते, जो करते हैं वो तो करते ही करते हैं यार, वो तो मुझे अपने प्यार के लिए देखते हैं, इश्क के लिए देखते हैं। यार ये मैंने ज्यादा बोल दिया। सो वंस अगेन आई एम इन अगेन फॉर्मल ड्रेसिंग, राइट। सो अभी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में दो तीन क्लासेस हैं, वो लेने के बाद एक काम जाना है, काम करेंगे। काम शाम क्या होता है, क्या जो है क्या नहीं, वो मैं आप लोगों से डिस्क्लोज नहीं कर सकता ड्यू टू सम कॉन्ट्रेक्चुअल, लाइक कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एंड बाकी सारी जो चीज़ है ना, कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट पर भी है कॉन्ट्रेक्चुअल, ओके एक नया लफ्ज मैंने ईजाद कर दिया है, और कॉन्फिडेंशियल भी है। सो ये सारे सिनेरियोज हैं, लेकिन जो अच्छी मोमेंट्स होंगे, जो फनी मोमेंट्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, जो मजेदार होगा, आप लोगों को तो दूर दिखाऊंगा, छुपाऊंगा कुछ नहीं। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रहना होगा मेरे साथ, मुझे करना होगा सब्सक्राइब और यूट्यूब पे करना होगा फॉलो। सो बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में बहुत सारा मस्ती, फन और अच्छा खासा इंटरटेनमेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको मेरे ब्लॉग्स में नए दिखेंगे, कुछ पुराने दिखेंगे, और इसी तरह लोगों का आना जाना चलता रहेगा। बट ये सिर्फ कैमरे के लिए हो गए, रियल में तो यू नो कोई किसी का नहीं होता, आप भी एंड पर अपने लिए खुद अकेले ही हो। क्योंकि यार सबकी सारी बातें अपनी अलग अलग लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, तो उन चीज़ों को उनको देखना पड़ता है, इसलिए उनका भी कसूर नहीं, हमारी सोसाइटी है ही ऐसी, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट, ओके। तो आज है यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ मैटर्स, जो कि आज है ईयरली, सब ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं एंड दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। और इसी तरह सब एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही हैं। गुलाबेज तुम यहाँ पे कुछ लेने आई हो या सिर्फ देखने आई हो? चलो वाह दिलावेज हमें ट्रीट दे रही है, चाट खिला रही है। हाँ जी बताओ तुम्हारे मेंटल हेल्थ का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो तुम यहाँ करो दोबारा बना दोबारा। नहीं नहीं तुम बोलो बोलो यार, आज है मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, और ये ग्रीन रिबन का क्या चक्कर है? ग्रीन रिबन यही है कि हम स्पोर्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डे। अच्छा, ओरिजिनल चीज है, लोग समझते हैं मजाक है या इस तरह, बट ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। अरे बात से पूछो कभी, इसी के लिए चैरिटी है सारी। अच्छा सब चैरिटी होगा, सब चैरिटी खुद ही अपने लिए कर रहे हैं चैरिटी है लोग? नहीं नहीं, पक्की बात है कुछ लोग पीछे भी जा रहे हैं जिनको चैरिटी की जरूरत है मेंटल हेल्थ की। चलो चलते हैं, ये स्टॉल से बड़ा पंखे लगाया हुआ है। दिलावेज एक और दोस्त हमारा, और दिलावेज हम तीनों जा रहे हैं सरताजा इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, और वो एक्टिविटीज को तूने क्या देखा इंजॉय करते हुए? यार पिक्चर हो रही है कुछ। सो तुम्हारी आवाज भी जा रही है ब्लॉक के अंदर, मुझे काटनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मेंटल हेल्थ की सारी एक्टिविटीज अंदाजा है मुझे। दानिश तुम हमें इन्फॉर्म किए बगैर आ गए, ठीक है? तो दोस्तों आज की हमारी एक क्लास जो है वो इसके लिए यूज़ की जा रही है, क्योंकि आज है मेंटल हेल्थ डे, और मेंटल हेल्थ डे के लिए उसको प्रॉपरली प्रमोट किया जा रहा है कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ स्टीरियोटाइप को ख़त्म किया जा रहा है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह इंसान कोई बीमार हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसी तरह एक मेंटल हेल्थ भी है।
और उसी के लिए सारी चीज़ें। और तो गाइस अभी जो मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इस चीज़ का जो स्टीरियोटाइप है वो ख़त्म किया गया, अभी इसकी रैली चल रही है, सारी एक्टिविटी सारी चल रही है, प्रेस आई वी और दूसरी दूसरी एक्टिविटी है, सारे एरिया को क्लियर किया जा रहा है। और वी सी जो हैं जो कि एक्स नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के हेड रह चुके हैं, अब वो हमारे वी सी हैं, एच ओ डी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड अदर्स। सो ये तासुरा चल रहे हैं अभी तो, हर मैं जर्नलिस्ट की तरह लग रहा हूँ ये सारी वीडियो बनाते हुए, बट इट्स माई व्लॉग, ओके, सो ऑलवेज कंसिडर इट अ व्लॉग। फाइनली हम लोग रैली से अब जा रहे हैं अपनी वापस क्लास के अंदर, क्लास लेंगे क्योंकि क्लास तो हो गया था थोड़ा सा बहुत, अब जो टाइम हमने बाहर गुजारा वो भी क्लास के अंदर ही कंसिडर होगा, बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो हम क्लास में गुजारेंगे, अटेंडेंस लगेगी एंड देन विल रेडी फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। गाइस आज लाहौर में बहुत ज़्यादा है गर्मी और कल जो थी गर्मी कम थी, काफ़ी कम थी, कल रात को मौसम भी अच्छा हो गया था, तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम जा रहे हैं वापस घर। अभी सिर्फ एक बजा है, मैं बिफोर टाइम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक काम था, उस काम के लिए मैंने सर से फेवर मांगी, उन्होंने मुझे दे दी और वो काम मेरा हो गया जल्दी ख़त्म, तो वापस यूनिवर्सिटी जाने के बजाय हम लेंगे सीधा घर को, रहा घर को मतलब ये निकलेंगे और फिर मिलते हैं आपको घर में चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद इंशाअल्लाह। तो मैं आ चुका हूँ बाहर पार्किंग कार वॉश पेट्रोल पम्प पे, कार वॉश करवाने का, कार वॉश हो रही है और इट्स अराउंड 4 or 5 PM क्योंकि कल मैंने जाना है लाहौर से बाहर, सो आपको मिलते हैं कल लाहौर से बाहर इंशाल्लाह। धूप अच्छी निकली है, फुल मज़ेदार धूप है, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इजी फील कर रहा हूँ और अच्छा है। तो बोलिए फैमिली की चीज़ हो या पर्सनल बिलोंगिंग हो, उसकी मेंटेनेंस और सारी चीज़ें खुद ही करवानी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार स्टाफ होता है, ज़्यादातर स्टाफ के लोग ही करते हैं, लेकिन अगर आप खुद भी आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको पता होता है कि आप क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो, चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्योंकि आपकी चीज़ों की ज़्यादा केयर आप खुद ही कर सकते हो ना कि कोई और। तो फाइनली कार वॉश हो चुकी है, उस दौरान मेरी हो रही थी अहमद से बात, अहमद है मेरा बहुत ही अच्छा जिगरी दोस्त जिसको आप प्रीवियसली शायद किसी ब्लॉग में देख चुके हैं, वो आया था स्पेशली लाहौर मेरे से मिलने के लिए, कराची और इस्लामाबाद के अंदर ही होता है। सभी तो खैर हम जा रहे हैं वापस घर, ठीक है, क्योंकि सुबह निकल रहे हैं हमने इस्लामाबाद और सेम डे जाना है, सेम डे वापस आना है, हो सकता है ट्रिप लंबा भी हो जाए, तो ये सारा चक्कर है। सो कल तो हम आपको मिलेंगे वापस इस्लामाबाद के अंदर, वही सेम और अच्छी मज़ेदार बातें, कोशिश करूँगा मैं इंस्ट्रक्शंस कम ही दूँ, पर यू नो के मतलब पापा के साथ होते हैं या किसी भी फैमिली बंदे के साथ होता है तो वो कितनी को ही बातें कर सकता है, नहीं कर सकता ना यार, आप लोगों को पता ही है फिर क्या ही बातें, दोस्त वगैरह हों तो वो तो फिर एक अलग ही हिसाब आ जाता है ना कि टोटली सिनेरियो ही डिफरेंट है, बट यहाँ का भी सिनेरियो डिफरेंट है, बात करता हूँ मैं आपसे चंद मिनट। सो गाइस ये है एक मोटर बाइक शोरूम, मुझे लगता है किसी दिन हमें यहाँ पर आना चाहिए, बाइक्स का रिव्यूज़ देना चाहिए, पाकिस्तान में अच्छी बाइक्स हैं।